हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको लो बैक पेन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं, जिनको कि आप घर पे रहकर ही करके लो बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बात करते हैं अब एक्सरसाइजेस के बारे में। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमें लेटना होगा। लेट के हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपको अपने एक घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आना है। इस वाली एक्सरसाइज को हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। और जितना स्ट्रेच हो सकता है आपको नी को चेस्ट की तरफ स्ट्रेच करना है। और एटलीस्ट आपको 8 से 10 सेकेंड इसको यहाँ पे रोक के रखना है। आप अगर काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से। दूसरा सेम आपको दूसरे घुटने से करना है, चेस्ट की तरफ लेके आना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको 10 से 15 रिपीटेशन आप कर सकते हैं एक पैर में। 10 से 15 रिपीटेशन यानी कि दोनों पैरों में आपको 10 से 15 रिपीटेशन दोनों पैरों में करना है। इसके अलावा इसी एक्सरसाइज को हम दोनों पैरों को एक साथ करके कुछ यूं अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक करके अपने घुटनों को छाती की तरफ लेके आना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक आपको काउंट करना है। ध्यान रहे ब्रीदिंग आपको करते रहना है, इसमें ब्रीदिंग स्टॉप नहीं करना। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करना है। 8 से 10 सेकेंड रोक के रखना है। 10 से 15 रिपीटेशन आपको एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं। दिन में आप एक या दो बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है आपको एक पैर उठा के अपना दूसरे पैर पर रखना है और एक हाथ से आपको एड़ी को होल्ड करना है और दूसरे हाथ से आपको अपने नी पे रखना है और इस वाले हाथ से आपको स्ट्रेच देना है यानी कि प्रेशर लगाना है अपनी चेस्ट की तरफ, अपोजिट चेस्ट की तरफ यानी कि इस वाले शोल्डर की तरफ अपोजिट प्रेशर लगाना है। 8 से 10 सेकेंड आपको स्ट्रेच को होल्ड करके रखना है एंड धीरे धीरे छोड़ देना है। अगेन प्रेशर लगाना है, 8 से 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। सेम आपको इस पैर में करना है। एक हाथ से अपन को एड़ी होल्ड करनी है, दूसरे हाथ से आपको नी से आपको प्रेशर लगाना है अपने अपोजिट चेस्ट की तरफ, अपोजिट शोल्डर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से। वापस लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज की हम बात करें तो यहाँ से ये वाली जो कमर का जो ये वाला हिस्सा है इसको हमें नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करना है और जो बटक वाला हिस्सा है इसको हमारा हल्का सा ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। तो कुछ इस तरीके से ये एक्सरसाइज परफॉर्म होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 15 रिपीट आपको करना है। दिन में एक या दो बार आप रिवाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें दैट इज स्पाइन रोटेशन। रोटेशन आपको कैसे करना है, दोनों पैरों को एक साथ आपको एक तरफ लेके आना है और अपनी गर्दन दूसरी तरफ लेके जाना है, कुछ इस तरीके से। अपने हाथ आप चाहें तो दोनों अपोजिट शोल्डर पे रख सकते हैं, चाहें तो एक हाथ से आप प्रेशर भी लगा सकते हैं इस तरीके से कुछ। 8 से 10 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है। स्पाइनल, इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं स्पाइनल रोटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें ब्रीजिंग। दोनों पैरों को फोल्ड करके आपको कमर को जितना आप उठा सकते हैं कमर को उठाना है और होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिपीट कर सकते हैं 10 से 15। दिन में एक या दो बार आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होगी।
इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें तो उसके लिए हमें क्वाड्रिपोड पोजीशन में आना होगा, यानी इस पोजीशन में। ये एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। करना क्या होता है इसमें, जब आपको कैट एंड कैमल की पोजीशन करनी है, लोअर बैक को डाउन नीचे एंड आपका नेक ऊपर, ये आपकी कैट पोजीशन, एंड इसके जस्ट अपोजिट यानी कि नेक डाउन एंड लोअर बैक पर, ये आपकी कैमल पोजीशन। इसको आपको टेन टू फिफ्टीन आपको रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें तो इसी एक्सरसाइज को हमें प्रोग्रेशन में लेके जाना है और अपनी होल स्पाइन को, यानी कि पूरी स्पाइन को आपको स्ट्रेच करना है। हम कैमल वाली पोजीशन में जाएंगे, यानी कि गर्दन नीचे और लोअर बैक ऊपर, और इसी पोजीशन में हम अपने आप को पीछे की तरफ लेके जाएंगे जितना हम जा सकते हैं। इसके बाद हम पूरा अपनी कमर को स्ट्रेच कर देंगे, जितना स्ट्रेच हम कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कर देंगे। 10 सेकंड हमें रोक के रखना है, देन बैक टू नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन, एंड देन अगेन कैमल पोजीशन एंड स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतना स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बैक टू नॉर्मल। 10 से 15 रिपीटेशन आपको परफॉर्म करने हैं। तो ये थी कुछ बैक पेन से जुड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस, जिनको करके आप घर पे लो बैक पेन से निजात पा सकते हैं, यानी कि साथ में आपको अगर बटक पेन है या सियाटिक पेन है, एक्यूट सियाटिक पेन है, तो भी आपको इन एक्सरसाइज से राहत मिल सकती है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।